कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा गया है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान सामने आया है। उन्होंने मल्लिका अर्जुन खड़गे और सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया है। अंशु अवस्थी का कहना है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत रायबरेली से राहुल गांधी की होगी। गांधी परिवार पूरे देश में चुनाव लड़ता रहा, लेकिन रायबरेली को कभी नहीं छोड़ा। राहुल गांधी जी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के निर्णय पर हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी जनप्रिय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी परंपरागत, अपने पीढ़ियों के रिश्ते, अपने घर रायबरेली को लोकसभा के लिए चुना। रायबरेली जहां से उनके दादा श्री फिरोज गांधी जी, देश की प्रधानमंत्री दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ती थी, उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ी और आज राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली से गांधी परिवार का एक आत्मीय रिश्ता रहा है और किसी भी सुख दुख में गांधी परिवार वहां पर खड़ा रहा है। पूरे देश में गांधी परिवार चुनाव लड़ा, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी चिकमंगलूर से लड़ी हों, श्रीमती सोनिया गांधी जी बेल्लारी से लड़ी हों या श्री राहुल गांधी जी वायनाड से लड़े हों, लेकिन उन्होंने कभी भी रायबरेली से रिश्ता नहीं छोड़ा। रायबरेली और अमेठी से हमेशा रिश्ता जुड़ा रहा। निश्चित तौर से श्री राहुल गांधी जी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कार्यकर्ता और जनमानस काफी उत्साहित है और पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत रायबरेली से श्री राहुल गांधी की होगी और रायबरेली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को और ताकत मिलेगी, हम और ज्यादा सीटें जीतेंगे।